दोस्तों, नूबिया की तरफ से बहुत ही कम स्मार्टफोन है जो इंडिया में लॉन्च हो रहा है, लेकिन नूबिया की तरफ से एक नया स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हो गया है। ये गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन है। दोस्तों, नूबिया का रेड मैजिक 2 स्मार्टफोन को चाइना में नूबिया ने लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं नूबिया के रेड मैजिक 2 के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये मेरा नया सेटअप है, तो नया सेटअप के लिए एक लाइक तो बनता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्पेसिफिकेशन के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको 6 इंच का आपको फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन वाला आपको डिस्प्ले मिलता है 18:9 के रेशियो के साथ। मतलब यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी ये स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है, और ये स्मार्टफोन एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन है, इसलिए यहाँ पर आपको नॉच वाला डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर आपको 18:9 का नॉर्मल टाइप का आपको डिस्प्ले मिल जाता है। जो नॉच वाला डिस्प्ले में थोड़ा बहुत आपको गेमिंग में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि नॉच थप जाता है कहीं कहीं गेम में, तो यहाँ पर आपको 18:9 का डिस्प्ले मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको चिपसेट में भी स्नैपड्रैगन का 845 आपको देखने को मिलेगा, जो 2.8 गीगाहर्ट्ज का एक ऑक्टाकोर चिपसेट है और 10 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों, कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको 24 मेगापिक्सल का आपको सिंगल आपको रियर कैमरा और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का शूटर ये स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 8GB का DDR4X वाला रैम और 256GB का UFS 2.1 वाला आपको स्टोरेज भी ये स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन का एक खास बात मुझे लगा, यहाँ पर आपको ये गेमिंग सेटिंग स्मार्टफोन है जो मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर आपको 8GB का रैम मिलता है, 256GB का स्टोरेज मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको डुअल कूलिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको AR+ लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन भी ये स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये स्मार्टफोन का सबसे खास बात मुझे ये लगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे मुझे लगता है ये स्मार्टफोन गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन जितने भी होते हैं ज़्यादातर हीट जनरेट बहुत ही ज़्यादा करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको हीट जनरेट करने के लिए यहाँ पर आपको डुअल कूलिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। मतलब ये स्मार्टफोन इतना ज़्यादा हीटिंग इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको AR+ लिक्विड कूलिंग दोनों भी आपको ये स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। दोस्तों, ये स्मार्टफोन के बारे में मेरा ओपिनियन की बात करूँ तो 40,000 के अंदर मैं मानता हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है, क्योंकि ज़्यादातर गेमिंग स्मार्टफोन या ROG स्मार्टफोन ले लीजिए या कोई भी स्मार्टफोन ले लीजिए, गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन आपको तकरीबन 60,000 के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन ये चाइना में 40,000 के आसपास लॉन्च किया गया है। दोस्तों, अगर ये प्राइस में इंडिया में लॉन्च होता है तो मैं मानता हूँ ये भी एक गेमर लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। हालांकि इस स्मार्टफोन में आपको 24 मेगापिक्सल का एक सिंगल आपको रियर कैमरा मिलता है, फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का शूटर मिलता है जो एक सिंगल कैमरा है, और बैक में और फ्रंट में दोनों में आपको सिंगल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, तो ये कैमरा के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो यहाँ पर आपको ज़्यादातर फोकस किया है गेमिंग के ऊपर, मतलब ये स्मार्टफोन में अगर आप गेमर है तो ये स्मार्टफोन को ले सकते हैं। दोस्तों, अभी तक तो ये स्मार्टफोन कब इंडिया में लॉन्च होगा कुछ भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी रेड मैजिक 1 स्मार्टफोन को इसी महीने लॉन्च होना है स्नैपड्रैगन के 835 के साथ। वो स्मार्टफोन लॉन्च होगा तकरीबन 30,000 के आसपास लॉन्च होगा। तो ये स्मार्टफोन अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो मैं मानता हूँ ये स्मार्टफोन भी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा धमाल मचा सकता है। दोस्तों, अगर आप रेड मैजिक 2 के बारे में, नूबिया के रेड मैजिक 2 के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको मेरा नया सेटअप अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से अच्छा लगता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।